सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो है मी माई लाइफ एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ बॉल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चीज़ बॉल घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं उसकी रेसिपी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें जो भी सामग्री लगेगी, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए हैं और उसका छिलका निकाल दिया है। फिर हमें लगेगा नमक, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर ये धनिया लिया हुआ मैंने, आप चाहे तो पुदीना भी ले सकते हो। फिर ये 3 मैंने चीज़ क्यूब लिए हुए हैं और ये है काली मिर्च, इसे मैंने कूट लिया है, क्रश कर लिया है। उसी तरह से मैंने साबुत धनिया जो होता है उसे भी मैंने क्रश कर लिया है। फिर ये है ब्रेड क्रम्स, इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, और कॉर्नफ्लोर। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तीनों चीज़ क्यूब को ग्रेट कर लेना है और ये ग्रेट होने के बाद मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये हमारा ग्रेट करके हो चुका है। इसी तरह से हम आलू भी ग्रेट कर लेंगे, आप चाहे तो स्मैश भी कर सकते हो। बाउल में मैंने ये आलू जो है वो ले लिया है और जो हमने चीज़ ग्रेट कर लिया था आधे से थोड़ा कम हम इसमें ऐड कर देंगे आलू के साथ। और जो भी हमने चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और साबुत धनिया और धनिया पत्ती को जो काट के लिया था वो उसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर और अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं हाथों में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ। उसके बाद हमें थोड़ा सा डो हाथ में लेना है और उसे फ्लैट कर देंगे। हम कटोरी जैसे बनाएंगे फ्लैट करके, उसके अंदर हमें जो हमने चीज़ ग्रेट कर दिया था वो स्टफ़ करना है। तो हम थोड़ा सा चीज़ इसके अंदर फिल कर लेंगे और जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं उस तरह से मोदक बना के इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि चीज़ बाहर ना आए। तो धीरे धीरे मैं ये इस तरह से इसके अंदर फिल कर लूँगी। और हम इसे रोल कर लेंगे, का बॉल बना देंगे, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए, कटोरी जैसे हम बना लेंगे और फिर से थोड़ा सा चीज़ का स्टफिंग इसके अंदर हमें फिल करना है। ये हाथों को थोड़ा चिपचिपा लगता है। तो अच्छे से हमें इसे फील करके बंद कर लेना है इस तरह इसके। मेरे सारे बॉल्स बना के रेडी हो चुके हैं। अब मैंने 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके अंदर पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। तो 3 से 4 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कीजिए। अभी एक प्लेट पे हम ब्रेड क्रम ले लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है उसमें ये हम बॉल्स को डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमें बॉल को पेस्ट में डिप करना है और उसके बाद सब जगह से उसे ब्रेड क्रम लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हो।
अच्छे से इसे ब्रेड क्रम लगाइए, क्योंकि इसी की वजह से उसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो सब जगह से हमें इसे ब्रेड क्रम लगा लेना है। आप चाहे तो ये एक बार कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं ये प्रोसेस दो बार करने वाली हूँ। अभी मैं फिर से इसे कॉर्नफ्लोर में डुबो दूँगी इस तरीके से, और अगेन उसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम लगाऊँगी, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल्स जो है कॉर्नफ्लोर के पेस्ट में डिप करके फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर ये बॉल डाल देंगे। मैं अभी दो बॉल एक टाइम पे डाल रही हूँ, और इसे हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। सब जगह से इसे हमें फ्राई करना है, तो इस तरह से सब घुमाते घुमाते हम इसे फ्राई कर लेंगे। और शुरुआत में ही मैंने फ्लेम फास्ट पे रखा था, उसके बाद मैंने जो फ्लेम है लो से मीडियम कर दिया है, और इसे अच्छे से हम अभी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमारे ये जो चीज़ बॉल है वो फ्राई होके तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, गोल्डन कलर इस पर अच्छे से आ चुका है, और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे एक पेपर नैपकिन पे, और जो बचे हुए चीज़ बॉल है मैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये चीज़ बॉल बनके रेडी है, और अब ये आप देख सकते हो कि ये अंदर से चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और ये देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग।